students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 8. Now today we continue chapter 1, rational numbers, exercise 1.1, part 2nd and page number 9. आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2nd करेंगे. देखिए मैथ्स ऑफ क्लास 8. एक्सरसाइज 1.1 एंड पेज नंबर 9. आज हम क्वेश्चन 3rd करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3rd, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ. यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स गिवन हैं, इन नंबर्स को हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है. देखिए किस तरह से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ. देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं उसे हम रेसिप्रोकल करते हैं और साइन से हमें कुछ लेना देना नहीं है. जो साइन है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमें नंबर को, जैसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमेटर में लिखेंगे और डिनोमेटर को न्यूमरेटर में, मीन्स ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर. तो देखिए जैसे माइनस वन है तो वन के नीचे कुछ नहीं है, वन ही होगा, तो ये माइनस वन ही रहेगा. अब ये माइनस 17 है तो 17 के नीचे देखिए कुछ नहीं है, तो हम वन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/17. अब ये 1/3 है, ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर और 1 नीचे, तो 3 और नीचे हम 1 लिखेंगे. तो हम इसको ओनली और 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का 1 हम नहीं लिखेंगे तो 3 भी लिख सकते हैं. अब ये माइनस 9/13 है, तो ये माइनस इसी तरह से रहेगा, 13 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे, तो 13/9. इसी तरह से देखिए 3/-7, तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस 7 ऊपर और 3 नीचे, तो ये क्या है हमारे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड. देखिए ये क्वेश्चन है, हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे आप. आंसर इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उसमें जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो जाता है. इसमें देखिए माइनस 5/7 पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर ये पीछे चला गया है, और ये 3/11 बाद में है, ये यहाँ पर पहले, यानी कि इनकी जगह चेंज हो गई, ये इधर आ गया और ये पीछे, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई. जैसे बी में देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 में मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर से, तो वही नंबर आ रहा है हमारा रैशनल नंबर, तो यह होती है हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज 0.7 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3/5, वाई और वाई नॉट. हमें ये बताना है कि 0.7 इस जो फ्रैक्शन है ये, इसका इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है या नहीं है, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. तो देखिए किस तरह से करेंगे हम इसको. 0.7 का मल्टीप्लाई हम जो भी हमें दिया हुआ है नंबर उससे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए जब हम इसको चेंज किए तो हमारा 0.7 को हम 7/10 लिख लेंगे, डेसिमल को हटाकर नीचे 10 मल्टीप्लाई. इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8/5 आ जाएगा. अब देखिए 8 और 10 ये दोनों हमारे 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 4 जा 8, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे. 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, 28 एंड 5 5 जा 25, तो आंसर क्या आया हमें 28/25. देखिए जब आंसर अगर हमारा 1 आ जाता है तो यानी कि वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, अगर 1 नहीं है तो वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है, तो आंसर लिखेंगे नो, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं आया हमारा आंसर. तो नो, 0.7 इज़ नॉट अ
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ वन होल 3/5 क्यों नहीं है? बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज नॉट वन, क्योंकि इनका जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो उसका आंसर वन नहीं है। आंसर क्या आ रहा है? 28/25 जो वन नहीं है, इसलिए ये हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नहीं है। तो इस तरह से हम करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।